सूप बनाने जा रहे हैं जिसमें ब्रोकली, गाजर और टमाटर डाल के सूप बनाएंगे। मेन इंग्रेडिएंट ये है, इसमें प्याज और लहसुन डालेंगे और थोड़ा काली मिर्च, लौंग डाल के इसको पहले बॉईल करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। बॉईल करने के लिए इसको सबको काट के डाल रहे हैं इसमें कुकर में, 2 सीटी लगवा के फिर ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। दो लोग के लिए बना रहे हैं, अगर ज्यादा बनाना है तो आप अमाउंट को डबल कर दीजिएगा। बॉईल हो गया है, अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे सब्जी को। इसका पानी छान के इसमें रख लिए। ग्राइंड कर लिए हैं सारा सब्जी, बॉईल जो किए थे सूप बनाने के लिए। अब इसको डाल देते हैं गाढ़ा होने के लिए। हम सब्जी डाला हुआ है इसमें, गोल गोल मिर्च और लौंगी सब, खाली नमक डाल रहे हैं, खोल जाएगा। फिर इसमें आप बटर चाहे चीज, आपको जो पसंद है आप डाल के, चाहे क्रीम डाल के खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। सूप के साथ खाने के लिए ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं। ये टोस्टर में ब्रेड डाले हैं, हो गया है, अब इसको निकाल लें। सूप तैयार है पीने के लिए, अब इसको देखिए आपको गार्निश करके दिखा रहे हैं। बहुत टेस्टी सूप बना है, आप भी बनाइए, खाइए पीजिए रात में, डिनर के लिए हल्का और हेल्दी दोनों है। आप बनाइए पीजिए, दूसरे मेहमान को भी पिलाइए, घर वाले को पिलाइए, सभी बहुत चाव से पियेंगे, बहुत टेस्टी बना है। थोड़ा सा क्रीम डाल रहे हैं ऊपर से, क्रीम डाले हैं थोड़ा। थोड़ा काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी बनाइए पीजिए। ठंड के मौसम में सूप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। रात के डिनर में, सुबह के ब्रेकफास्ट में आप कभी भी ले सकते हैं ये। और भी सूप के रेसिपी मेरे चैनल पे डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। और भी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेज नॉन वेज, 500 से अधिक रेसिपी मेरे चैनल पर है, जाके आप देख सकते हैं। और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू।